अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। रमज़ान का व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे दराज के प्रोडक्ट का रिव्यू कि ये अच्छी निकलती है या नहीं। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ओपन करते हैं, देखते हैं इस पार्सल में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। अभी हम इसे ओपन कर रहे हैं, अल्लाह करे ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा ना निकला तो हम इसे वापस करेंगे। ये मैंने ऑर्डर किया है बर्तन रखने वाला स्टैंड। मैंने इसका ऑर्डर इसलिए किया था कि जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था कि जब मैं बर्तन वॉश करती थी तो पानी बहुत ज़्यादा नीचे टपकता था, इवन के नीचे फर्श में आ जाता था। इसलिए मैंने इसका ऑर्डर किया ताकि बर्तन वॉश करने के बाद जो पानी है वो नीचे फर्श पर ना गिरे। बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। ये टेढ़ा हो चुका है क्योंकि सामान जाहिर है इन्होंने डिब्बे में डालकर इनको देना चाहिए था। ये देख थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, वो अच्छा तो लग रहा है। बर्तनों से अगर पानी निकलेगा तो इस डिश के अंदर ही रहेगा। मुझे ये डिश वाला ही चाहिए था क्योंकि जो हमारे किचन में लगा हुआ है उससे बहुत ज्यादा पानी टपकता है, बहुत इरिटेशन होती है। और इसको हम अभी अरेंज करते हैं, देखते हैं, और ये इसमें आ जाएगी। ये डिश बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। ये देखें, बाजार से लाने का ये फायदा होता है कि वो फिट हुए होते हैं। अब इसको मुझे खुद ही फिट करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम पेच हम इसको लगाते हैं, जरा लग जा भाई। ये ले, ये पेच लग गया फर्स्ट। हमने इसको फिट कर दिया, थोड़ी सी मुश्किल हमें हुई थी। इसके नीचे हमने ये गत्ते बिछाए हैं ताकि इसको अगर हम जोर जोर लगाएं तो ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक अड़ गया था ऊपर, अल्लाह की ज़ात का बाहर निकल आया। बहुत अच्छे से हमारा ये स्टैंड फिट हो गया। ये रैंक जो है हमारा बर्तनों वाला, इसके स्टैंड इन्होंने दिए, बहुत अच्छे स्टैंड इन्होंने दिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसे पानी नहीं लगेगा रखने के लिए। ये देखें, और ये है गिलास रखने के लिए। चाहे आप इस तरफ गिलास रखने वाला बना लें और इसको इस तरफ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, कहीं भी आप रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, जंग काफ़ी इसे लग गया है और नीचे फर्श पर भी जंग लग गया है। ये देखें, काफ़ी गंदा भी हो रहा है, यहाँ पर शेल्फ भी काफ़ी गंदी हो रही है। इसको हम शेल्फ को तो अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन इस रैंक को हम अब क्या करते हैं ये हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अभी इस रैंक को हम यहाँ से उठा लेंगे, तो वेस्ट नहीं करेंगे, ये और जगह इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अभी इस टाइम ये यहाँ से ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा जंक लग गया। ये देखें, जंक लग गया। अभी हम ये जगह साफ़ करेंगे, देखें कितनी गंदी लग रही है ये जगह, इसको मैं साफ़ करती हूँ। जितना मर्जी किचन को नीट कर लो, कहीं ना कहीं रह ही जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो फिर रमज़ान में हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जगह काफ़ी हद तक साफ हो गई है। इसको चेंज करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसका पानी निकलता था, पानी निकल के यहाँ से होता हुआ नीचे जाता था और नीचे फर्श पर गिरता रहता था, जिसकी वजह से ये देखें लकड़ी भी ख़राब हो गई है पानी गिर गिर कर। ये देखें कितनी ज़्यादा लकड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने ये रैंक चेंज की है। इसको हम यहाँ से उठा देते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें हमारा ये छोटे साइज़ का था, वो माशाल्लाह बड़े साइज़ का है। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, जो न्यू आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
इसका बस यही मुझे मसला था कि इसके अंदर से पानी गिरता रहता है, इसके नीचे कोई भी प्लेट नहीं है, इसके नीचे ये जनाब डिश बनी हुई है, सारा पानी इसमें आ जाएगा और हमारा यहाँ से पानी होता हुआ नीचे नहीं आएगा, जो कि बहुत मुश्किल होती थी मेरे लिए। अब इसको हम यहाँ से उठा देंगे, ये गिलास के लिए, हम गिलास के लिए इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे स्पून के लिए, क्योंकि स्पून की ज़्यादा ज़रूरत होती है। गिलास के लिए ऑलरेडी मेरे पास ये स्टैंड है, ये देखिए गिलास के लिए ये मेरे पास है, ये मैंने इसे इधर रख दी है, स्पून के लिए ये बेस्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब रमज़ान की तैयारी हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर हैंग करेंगे, देखें कितना अच्छा यहाँ पर हैंग हो गया है। इसके अंदर कटिंग बोर्ड बहुत अच्छे से आ सकता है और कटिंग बोर्ड के साथ एक दो डिशें भी इसके ऊपर आ सकती हैं। ये देखें स्टैंड हमारा बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है, स्टैंड के साथ जो ये ग्लास के लिए बनाया हुआ था ऐसा, इस पर हमने कटिंग बोर्ड लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मुझे खुशी हुई है कि अच्छी चीज़ हमें दराज से मिली है और बहुत मुनासिब कीमत पर हमें मिल गई है। रैंक को हमने थोड़ा सा चेंज किया, सामने वाली साइड पर लगा दिया। ये देखें यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि बड़ी प्लेटें यहाँ पर हम रख सकते हैं, पहले हमने इस तरह लगाया था, अब हमने इस तरह लगाया। इस तरह ये फ़ायदा होगा कि जो भी स्पून हम वॉश करेंगे उसका पानी सीधा इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पर पतीलियाँ भी रख सकते हैं, इसका जो गैप है ना, गैप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। किचन हमारा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, रमज़ान से पहले हमारी रमज़ान की तैयारी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं। अभी हम अपना पार्सल ओपन करते हैं, दराज का ये पार्सल हमारा आ चुका है और इसको हम ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं इस पार्सल में हमने क्या ऑर्डर किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमारा बॉक्स निकला है और ये बॉक्स अच्छा निकलता है, यानी जो मैंने दराज पर देखा था जो बॉक्स, वो बॉक्स मुझे बड़े साइज़ का लग रहा था, लेकिन ये बॉक्स काफ़ी छोटा लग रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वाकई में ये कारामद है या नहीं। बिस्मिल्लाह, ऑरेंज कलर का ये हमारे पास आया है बॉक्स, इसको बड़े साइज़ का होना चाहिए था लेकिन ये छोटे साइज़ का आया है। टैप में लॉक नहीं है, जस्ट इसके ऊपर ही रखा हुआ है। ये देखें ये बर्फ़ के लिए बनाए गए हैं, बहुत छोटू छोटू से ये हैं। आप चाहें तो इसमें चटनियाँ भी बना सकते हैं कि जैसे चटनी आपने अगर फ्रीज़ करनी है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। चटनी इसमें फ्रीज़ करके आप इसमें भी रख सकते हैं, और अगर आप चटनी फ्रीज़ करना नहीं चाहते तो आप बर्फ़ इसमें फ्रीज़ करके इसमें रख सकते हैं। देखिए इतना वन फिंगर का इसमें है, डीप है ये, उन्होंने दिया है कि इससे निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप बाय कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ये चीज़ मिली है हमें, छोटे छोटे बर्फ़ के क्यूब्स इसमें आ जाते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। आप चाहे तो बर्फ़ के क्यूब्स बना लें, आप चाहे तो किसी भी चटनी के लिए बना लें, टमाटर्स का पेस्ट इसमें फ्रीज़ कर लें, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं लेगा और काफ़ी सारे क्यूब्स इसमें आ जाएंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, रमज़ान में ऐसी चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है। अभी देखते हैं जनाब हमारे पार्सल में क्या चीज़ निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर जनाब विंटर शूज़ मैंने ऑर्डर किए थे, अब देखते हैं ये कैसे हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है। शूज़ बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी इनकी वाकई में बहुत अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप बाय कर लीजिएगा। बहुत अच्छे ये शूज़ हैं, शूज़ हमारे बहुत अच्छे निकले हैं। देखते हैं सेकेंड पार्सल में हमारा क्या निकलता है। ये मैंने पर्स ऑर्डर किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए लेदर का ये बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, आप इसमें दो मोबाइल एट अ टाइम आप इसमें रख सकते हैं। ये देखें इसमें भी मोबाइल आ जाएगा, ये देखें पर्स की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है, आप इसका ज़रूर ऑर्डर करें। ये पर्स हमें 600 में मिला है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है और आप देख सकते हैं स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। अब देखते हैं हम लास्ट पार्सल हमारा क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जनाब ये हमने ऑर्डर किया है अली के लिए। जो लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं ये उनके लिए बेस्ट है।
बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत सॉफ्ट है और इसके अंदर जो फीलिंग है वो दानेदार कोई चीज़ है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। बहुत अच्छी चीज़ें हमारी निकली हैं वाकई में, दराज पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और बहुत मुनासिब कीमत पर हमें ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर इसका ऑर्डर करें। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।